अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनके जायका। आज की हमारी रेसिपी है वेज पुलाव। तो आइए फटाफट देख लेते हैं किस तरह से हम ये डिलीशियस और बहुत ही मजेदार लगने वाला जो है वेज पुलाव तैयार कर लेते हैं। तो देखते हैं इसकी रेसिपी। वेज पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है, उसमें ऑयल गर्म किया है। साथ ही में हम यहाँ पे डाल देंगे काजू। काजू को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं क्योंकि मटर पुलाव में जो है वेज पुलाव में काजू का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने काजू लिया है, उसको हाफ अप टुकड़ों में कट कर लिया। काजू गर्म हो रहे से साथ में हम यहाँ पे एक चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें कि बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, ये हम में डाल देते हैं। गैस का जो फ्लेम है हमको क्या रखना है, स्लो ही रखना है ताकि हमारे ये जो है सूखे मसाले जले ना। हमने जो है गैस का फ्लेम जो है स्लो ही रखा था ताकि हमारे ये सूखे मसाले ना जले। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी एक अनियन को भी हम अच्छी तरीके से सौते कर लेते हैं। ये आप देखेंगे कि हमारी जो है अनियन हाफ डन हो चुकी है। अब इस स्पेस पे मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ी सी सौंफ डालने इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। थोड़ा और हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर भी जो है हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी एक बड़ा भर के अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसको भी हम इनके साथ में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन ना निकलेगा। 2 से 3 मिनट हमने अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ में अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया, इसका कच्चापन भी दूर हो गया है। इस स्टेज पे अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कुछ वेजेस जिसमें मैंने लिया है गाजर, मटर, आलू और ये है फ्लावर। आप जो चाहे वह भी ऐड कर सकते हैं वेजिटेबल्स। हम वेजिटेबल्स को भी अच्छी तरीके से इसके साथ में हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ये हमारे वेजिटेबल्स भी हमको इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हल्का सा, क्योंकि हम ये कुकर में बना रहे हैं तो हमको ज़्यादा सब्जियों को भी गलाना नहीं है। अभी यहाँ पर जो है चिकन जो क्यूब्स होते हैं उसको ऐड कर देंगे। इससे उसका जो है पुलाव का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छी उसकी खुशबू भी आती है और खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटर और 2-3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से और क्या कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं सभी चीज़ों को। यहाँ देखेंगे सभी वेजेस को भी हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया, हमने उससे ज़्यादा फ्राई नहीं किया है। अब यहाँ पर जो है मैं ऐड करूँगी ये चावल जो मैंने कि 20 मिनट्स पहले अच्छी तरीके से उसको वॉश करके धो के सोक करने के लिए रख दिया था, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और सभी मसालों के साथ हम थोड़ी देर के लिए चावल को भी अच्छे से भून लेते हैं, अभी हम पानी ऐड नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देखेंगे हमने चावलों को भी सभी वेजेस और मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। साथ ही में यहाँ पे मैं जो एक हाफ नींबू का जो रस है वह भी ऐड करेंगे जिससे कि चावल बहुत अच्छा भी खिला खिला भी बनता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ ऐड करेंगे, मैंने 2 कप जो है चावल लिया था तो 2 गिलास हम यहाँ पे क्या कर देंगे उसी क्वांटिटी में हम 2 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। ये आप देखेंगे किस तरह से हमारे वेजेस बहुत अच्छा सा कलर दिख रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी से आ रही है। पानी हमने यहाँ पे देखकर बैलेंस करके डाला है
अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे जो कुकर का लिड लगा दूंगी और एक विसल होने तक हम उसका वेट करेंगे। पांच से सात मिनट के लिए हम लोग उसको स्लो आंच पे हम रख देते हैं। ये पांच से सात मिनट हो चुके हैं, हमने जो है राइस को सिम पे रख दिया था कुकर को। अब हम जब तक इसकी सीटी अपने आप से नहीं बंद होती है, जब तक हम इसको सीटी को नहीं खोलेंगे, जब तक हम वेट कर लेते हैं। ये देखेंगे जो है कुकर भी ठंडा हो चुका है। देखेंगे किस तरह से जो हमारे खिले खिले से पुलाव जो है बन के तैयार हो गया है। ये सर्व करने के लिए रेडी है। आइए हम इसे सर्व कर लेंगे। ये आप देखेंगे किस तरह से हमारे गर्मा गर्म सा जो पुलाव बन के तैयार रेडी हो गया है। अब हम इस पे ऊपर से हरा धनिया से गार्निश कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी बहुत ही चटपटी चटखारेदार जो है पुलाव बन के तैयार हो गया है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।